हमारे सौराष्ट्र में कहा जाता है, अगर आपने गिर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाय, वी आर किशानी एंड वेलकम टू आवर न्यू एक्सपीरियंस व्लॉग। अगर आप सासन गिर में फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको लेके जा रहे हैं द फाइनेस्ट एंड लग्जरियस रिजॉर्ट इन द गिर फॉरेस्ट एट सासन गिर, जो लोकेटेड है हिरण नदी के पास। सो लेट अस गो टू पैराडाइज एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ गिर फॉरेस्ट। वेलकम टू अर न्यू व्लॉग वंस अगेन, यू नो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं पीयूषन अरमाने किशाने, हम आए हैं गिर में, सासन गिर में एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए, जिसका नाम है गिर वनवास। हो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहली बार आए हैं, सो यू नो, यहाँ की खासियत की बात करूँ तो यहाँ पे सामने देखो तो हिरण रिवर है। यू नो, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है फ्रेंड्स। आज हम आपको यू नो चेक इन करेंगे, वन नाइट स्टे करने वाले हैं। उसके बाद यू नो डाइनिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, रूम्स के बारे में बताने वाले हैं, एमिनिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं फ्रेंड्स, यू नो, और काफ़ी सारी चीज़ें आई डोंट नो, लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक इन करेंगे। फ्रेंड्स, हमने चेक इन कर लिया है यहाँ पे और हमारा रूम नंबर है 301। सो हम जाएंगे रूम्स के अंदर, रूम्स के बारे में बताने वाले हैं और ईच एंड एवरीथिंग, जो भी एमिनिटीज़ है आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग अस। गिर वनवासो रिजॉर्ट इज एन अल्टीमेट रिजॉर्ट फॉर नेचर लवर्स, जो लोग प्रकृति के बीच रहना चाहता है, नेचर का आनंद लेना चाहता है, उनके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। This resort was started more than 10 years back aur aaj bhi it is well maintained and they having a quality staff and excellent services to the travelers। Thank you.
फ्रेंड्स हमारे बीच काफ़ी सारे गेस्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टे कर चुके हैं फ्रेंड्स और अभी है हमारे साथ, तो उसके उसको पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका, यू नो यहाँ पे वेकेशंस, राइट। सो सर आपका क्या नाम है? जतिन ठाकर। ओके, कहाँ से हो आप? गांधीनगर। ओके सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत, अभी तक तो हम पहली बार आए हैं इधर, लेकिन आने के बाद हमारा पिकअप, हमारा सर्विस, हमारा क्वार्टर सर्विस सब जगह पे पूरा ध्यान देते हैं और कोई भी जात की कमी अभी तक महसूस नहीं हुई। ओके, और आपके साथ कौन कौन आए? मेरा पूरा परिवार है, मेरे बहन है, मेरी बहन है, बांझे है, दोस्त है, बैठे हैं वो मेरे साधु भाई है, परेश आचार्य। साधु भाई से पूछते हैं, साधु भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, क्या अच्छा लगा इसमें, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? We enjoy a lot. Okay, family के साथ hang out करना बहुत बहुत मजेदार, right? Okay. Very good experience. Okay. Hi. ये बात हो रहा? One. ये बात हो रहा? Two. अब मुझे आगे तक जाने दो। जोर लगा के। अरमानी से पूछते हैं, अरमानी आपका experience कैसा रहा? कैसा resort? कैसा रिसोर्ट? वो मस्त रिसोर्ट। ओके, तो सबको हाई कर दो। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी जगह है, स्पेशल फैमिली के लिए। बच्चों के साथ आप आते हो तो भी आप एंजॉय कर सकते हो, स्विमिंग पूल से लेके आप गार्डन एरिया देख सकते हो, सब लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बाथरूम भी एंजॉय किया। और रूम की बात बताऊँ तो काफ़ी स्पेसियस रूम है, अच्छा है, बालकनी वाला रूम है, और रूम के पीछे भी इतनी जगह है बड़ी कि आप यहाँ वहाँ पे बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। ले रहे हैं 1:30 बजे दोपहर को, और लंच में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। ब्रेकफास्ट जो किया बहुत ही बढ़िया था। लंच में भी अगर मैं बताऊँ आपको, एकदम मेन कोर्स में 3 सब्जी है, यू नो अभी पनीर की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, और मूंग मसाला है ग्रेन्स में। फर्स्ट टाइम की बात करते खमन ढोकला है, यू नो सलाड है, प्राइम्स है, सलाड में यू नो अनियन है, टोमेटोज है, कुकुम्बर है, दाल राइस है, रोटी है, पूरी है फ्रेंड्स, एंड स्वीट में मैंगो पल्प है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया लंच है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे यू नो जीप्स ड्राइव करने वाले हैं फ्रेंड्स, पहली बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं है इसमें, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेट्स सी, देखते हैं। बाय, हम जा रहे हैं छोटी सी राइड करने का। जीप में
और फ्रेंड्स ये है फोक डांस ऑफ सिद्धी कम्युनिटी, इट इज नॉन एज धमाल डांस। 5 से 7 लोगों की टीम होती और आदिवासी कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म करते हैं। इतना ही नहीं, हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी करते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी दिस इज़ अवर सेकेंड डे और अभी सुबह के 6:30 बजे और अरमान ही सो रही है रूम के अंदर। तो अभी का जो एटमॉस्फियर, जो क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो मैं और पीयूष वॉक करने के लिए निकले हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है जो 7:30 बजे से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो सोचा 1 घंटा थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग कर लें। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 8:30 बजे और हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे आइटम्स हैं, स्टार्ट करेंगे फ्रूट से, वाटरमेलन है और चाय, पोहा है, उत्पम है, उत्पम के साथ चटनी है, ग्रीन कोकोनट चटनी एंड सांभार है फ्रेंड्स, और ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड बटर विद जाम, खारी है एंड कुकीज़ है। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे आइटम्स है, 7 से 8 आइटम्स है जो आज हम ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। Thank you.
यहाँ पे जो कॉटेज दिए गए, रूम्स दिए गए, रूम्स के पीछे का जो एरिया है बहुत ही लंबा एरिया है, बहुत ही बढ़िया एरिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, यू नो, गैदरिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बड़ी स्पेस पीछे दी है। खेतर माधी जंगल मा वाच बेटर नाइस एक्सपीरियंस एनो एटमॉस्फेयर बहुत सरस है तू ये जमवानो भी सारू है तू बदु खूब सारी सर्विस है खूब सारी सर्विस है वी लव दिस ऑसम प्लेस फॉर फैमिली आउटिंग खूब मजा आई अति उत्तम खूब मजा आई सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। सो गाइज फाइनली हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं फ्रेंड्स अभी 5 मिनट के अंदर, और 2 नाइट्स हमने यहाँ पे स्टे किया, बहुत ही मज़ा आया फ्रेंड्स। सो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी खास बात बताऊँ तो यू नो इस रिसोर्ट की यू नो बीच में लोन एरिया है और चारों ओर जो है वो कॉटेजेस हैं, तो बहुत ही बढ़िया कन्वीनियंट है सबके लिए। और दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर फैमिली, यू नो अगर आप फैमिली के साथ हो, बच्चे के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, तो ये एक फैमिली रिसोर्ट है। बहुत एंजॉय किया फ्रेंड्स यहाँ पे, राइट। खाना भी बहुत ही बढ़िया था फ्रेंड्स। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे थे, काफ़ी हमने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया मैंने, किरीट ने और अरमानी ने, खास अरमानी ने एंजॉय किया ना अरमानी? यस। यहाँ की मुझे तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी। अब आप रात को 2 बजे भी कुछ भी आप कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ मिल सकती है। तो बहुत अच्छा रिसोर्ट है, कलरफुल है, इनके जो वाइब्स है वो डिफरेंट है, इनके वाइब डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरा जो रिसोर्ट है वो पूरे आसपास पूरा नेचर है, कलरफुल है, लोग भी अच्छे हैं, सर्विस भी अच्छी है।